हेलो जी, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप भी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आपका स्वागत है हमारे एक नए व्लॉग के साथ। और देखिए, आज है करवा चौथ। हैप्पी करवा चौथ मेरे और मेरे परिवार की तरफ से। आपको करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ले देख पीछे कर लिया। और देखिए, अभी अभी सर धो के और नहा के आई हूँ। आज मैं थोड़ा लेट नहाई थी क्योंकि बाद में मुझे पशुओं को नीचे झाड़ू और पानी पियाना पड़ता है, तो इसी वजह से मैंने ना थोड़ा लेट नहाई हूँ। ये सोच रही थी कि फिर दोबारा नहाना पड़ेगा, चल एक बार ही खत्म कर लेती हूँ सारा काम, उसके बाद ही मैं नहा लूंगी। तो अभी नहा के और कपड़े निकाल के रख दिया मैंने, और उसके बाद अब है तैयार होने की बारी। मैंने देखे पैरों से शुरू कर दिए। मैंने पैरों में सबसे पहले तो मैंने देखे अपनी शादी की पायल पहननी है। ये है मेरी शादी की पायल, और नेम पेंट भी लगा लिया है, और चुकटी भी मैंने बदल ली। ये देखिए, ये मेरी शादी की पायल है, ये हाथ की पायल है। पहले मम्मी बोलती थी कि हाथ की पायल ही देते थे, वैसे तो मर्जी है अपनी, पर मम्मी ने हाथ की पायली चढ़ाई है। और मैंने देखे बिछवे चुकटी बदल दिए, और नेन पेंट भी मैंने पैरों पे लगा लिए। ये देखिए, और इधर मैंने अपने पहनने के कपड़े निकाल लिए हैं साथ के साथ ही। और अब तैयार होती हूँ। अब मुझे तैयार करेगी किट्टू। किट्टू बोल रही थी कि चाची मेरे इंतजार करना, मैं आके आपको तैयार करूंगी, क्योंकि वो गई हुई है बूढ़ा ने अपनी मम्मी को तैयार करने के लिए। किट्टू बहुत अच्छा मेकअप करती है और बहुत ही अच्छी मेहंदी लगाती है। ये देखिए, उसने मेरे मेहंदी लगाई थी रात। अच्छी लग रही ना, दोनों हाथों पे ऐसे ही करके लगाई थी। तो चलिए आप दोस्तों, हम तैयार हो जाते हैं। और देखिए, मैंने चूड़ी भी निकाल ली और बिंदी भी निकाल ली, और ये मैं कान में पहनूंगी। ये देखिए, ये कान के लिए, और ये गले में, और मेकअप का सारा सामान मैंने एक जगह रख लिया है ताकि फिर बाद में परेशानी ना हो लगाने में। तो पिन का गुंछा भी लेके आई थी मैं। हाँ, रख दिया मिष्टी। ये पिन का बोल। देखिए दोस्तों, अब मैं हो गई तैयार, पूरी रेडी तैयार बिल्कुल। और मैंने ये पहनना है, आपको बैक कमरे से दिखाऊंगी। तो देखिए, ये मेरी चूड़ी है। लड्डू रो रहा। और ये रवि जी की पसंद का है, ये दिलाया था उन्होंने, रवि जी ने दिलाया था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत हद से ज्यादा अच्छा लगा। मुझे इस तरह के ही सेट बहुत पसंद है। ज्यादा हैवी हैवी नहीं, मैं पहनती नहीं, शुरू से ही नहीं पहनती।
मेरी एक कमी रहेगी काजल की। ये लेके आई थी मैं करवा चौथ के लिए पहनने के लिए, मतलब करवा चौथ पे पहनने के लिए। तो आपको कैसा लगा ये कुर्ता? और ये है जो भी से बोलते होंगे, ज्यादा कुछ तो पता नहीं तो उसके हिसाब से आई। और ये है चूड़ी। आपको मैं कैसी लग रही है कमेंट करके बताना। और ये है मेरी चूड़ी। अब बस थोड़ी देर में सब तैयार हो चुके हैं। मम्मी भी, मम्मी तो मतलब ये है कि मम्मी अभी नहाई है, नहा के साड़ी पहन ली। और रितु भी तैयार होगी, मीनाक्षी भी तैयार होगी। अब हम सारे बैठ के एक जगह कहानी सुनेंगे। तो ये है मेरी नई वाली चुनरी, ठीक है? और मैं इसे गले में डाल के मेरी कहानी है। हाँ हाँ सुन लिए ऐसे कहानी सुन लिए फोटो खींच के। आपको मेरी ड्रेस कैसी लगी? हेलो गाइस, हम चलिए बस आप थोड़ी देर में कहानी सुनने वाले हैं। मम्मी डूबना भी तो है ना, मिट्टी ला देगा। Thank you.
बाना मैंने निकाल दिया है और मैं किसी कारण आपको उसकी वीडियो बना नहीं पाई क्योंकि बच्चे भी बाहर जा रहे थे खेलने के लिए और रवि जी भी यहाँ नहीं थे, कैमरामैन कोई नहीं था मेरे पास। बस मैं ये थी कि मुझे पूजा करनी थी और कौन कैमरा पकड़ता, बस आप समझ सकते हो कि मैं कितनी मजबूर थी उस टाइम पर कि मैं आपको दिखा नहीं पाई वो सब कुछ। जैसे मैंने पूजा की है वैसे मैंने पूजा अच्छे से पूजा करके मम्मी को बाना निकाल के दे दिया और वही मैंने आपको बताया। मैंने बनाया था खाने में हलवा पूरी और आलू गोभी और छोले चावल। तो देखिए अब ना रात के 8 बजे हुए हैं और मैंने कान के भी निकाल दिए क्योंकि मेरे कान में बहुत दर्द होने लगा था, चीस लग रही थी तो मैंने निकाल दिया। गले में से भी मैंने निकाल दिया क्योंकि मुझे गला भी बहुत ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ से घुटा घुटा सा सांस सी और ऊपर से सुबह से एक घूंट पानी नहीं पिया, एक घूंट भी पानी नहीं पिया। और अब 1 घंटा बाकी हो रहा है चांद निकलने का क्योंकि बोलते हैं 9 और 10 के बीच में निकलता है, 9 तो बज ही जाते हैं हमेशा। और बच्चे देखिए बच्चों ने खाना खा लिया है और बच्चे कर रहे हैं और दोनों आराम। और खाना मैं ले आई हूँ रूम पे ही अपने, देखिए ये सारा खाना मैं यहाँ पे ले आई हूँ क्योंकि अब 9-10 बजे व्रत खोलेगा जब उस टाइम मैं घर में नहीं जा सकती और फिर मुझे कपड़े बदलने पड़ेंगे। मैं सोच रही थी चलिए चांद देखते ही व्रत अपने कमरे में ही खोल लूंगी रवि जी के साथ बैठ के आराम से। अब फिर आपको पता है यहाँ पे सोते हैं आराम से, फिर सो जाएंगे खाना खा के। तो चलिए अब चांद का इंतजार करते हैं, सब बहनों को चांद का इंतजार है आज के दिन, इंतजार करे बैठी होंगी, कह रही होंगी चांद निकल जाए तो व्रत खोल लेंगे, सबको भूख और प्यास भी लग रही होगी। तो चलिए दोस्तों अब हम भी इंतजार कर रहे हैं, सब इंतजार कर रहे हैं आज चांद का। तो चलिए देखते हैं कब निकलता है। और देखिए चांद निकल चुका है तो मैंने व्रत खोलने के लिए थाली तैयार की है और ये है हलवा, ये सिंदूर और चावल और ये मैंने दिया लगाया और इसमें है पानी। तो अभी निकलने वाला है चांद, 9 बज चुके हैं, ऊपर जा रहे बच्चे देखने के लिए चांद निकल गया या नहीं। तो चलिए जब निकलेगा, वैसे तो मैंने थाली तैयार कर दी, निकलते ही अपना व्रत खोल देंगे। Gracias.